सवाल ये है कि क्या 21 जून को दुनिया खत्म हो जाएगी। अमेरिका के नाम नहाद माहिरी ने फलकियात और साइंसदानों ने दावा किया है कि कदीम तहजीब के मुतनाज़े माया कैलेंडर के मुताबिक दुनिया रवा माह 21 जून को खत्म हो जाएगी। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक माया तहजीब के रह जाने वाले एक मुतनाज़े कैलेंडर में 8 साल कबल दावा किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को कयामत आने वाली है। इसका मतलब साल 2012 नहीं बल्कि 2020 था। इस कैलेंडर के रोज से अगर देखा जाए तो कल यानी 21 जून को दुनिया का आखिरी दिन होगा। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। बरतानवी मीडिया में ट्विटर पर जारी होने वाले अफवाहों से मुतलिक शाया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कदीम माया तहजीब के कैलेंडर के मुताबिक आइंदा हफ्ते कयामत आने वाली है। माहिरीन फलकियात और साइंसदानों ने जार्जिन जूलिन और माया तहजीब के कैलेंडर को मवाजना करके इस बात का अंदाजा लगाया है कि कदीम माया कैलेंडर के मुताबिक दुनिया का खात्मा असल तारीख 21 जून 2020 है। साजिशी थ्योरी पर यकीन रखने वाले सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 21 दिसंबर 2012 में दुनिया के खात्मे की पेशगोई ठीक थी, क्योंकि माया कैलेंडर का जार्जिन और जूलियन कैलेंडर से मवाजना किया जाए तो वो साल 2012 नहीं बल्कि 2020 बनता है। इस दुनिया का एक साजिशी नज़रिया 2012 में भी सामने आया था। ताहम माया तहजीब का मुताला करने वाले माहिरीन ने इस वक्त कहा था कि कैलेंडर के खात्मे का मतलब दुनिया का खात्मा नहीं बल्कि पुराने दौर का खात्मा है। उस साजिशी नज़रिए के 8 साल बाद अब एक बार फिर ऐसा ही नज़रिया यूरोप और अमेरिका के ममालिक के सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा है। वादा रहे कि यह साजिशी नज़रिया एक ऐसी वक्त में सामने आया है जबकि दुनिया को आलमी वबा कोरोना जलजले सैलाब टड्डी दल के हमले नस्ली तासुब के खात्मे के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है।